व्यूअर्स आज हम रीड करेंगे डॉक्टर शहबाज़ गिल की विलाग पे कि वो बता रहे हैं कि उसने सदर आरिफ अलवी को किसने धोखा दिया और सदर आरिफ अलवि इमरान खान साहब को कैसे बचाया और क्या अगले बहत्तर घंटे में सदर आरिफ अलवी इस्तीफ़ा देंगे ये देखें पहले वीडियो देखें फिर उस पर बात करेंगे अस्सलाम वालेकुम आज अगस्त की इक्कीस तारीख है और पीर की सुबह है आज की अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तजिया आपके सामने रखते हैं सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये रखूंगा कि सदर ममलकत को किसने धोखा दिया स्पेसिफिकली कौन कौन लोग थे जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे किन लोगों की जिम्मेदारी थी ये काम करना किन लोगों ने सदर साहब के साथ गलत बयानी की और किस तरीके से की ये तमाम चीजें रिपोर्टेडली जो हमें जराए से मालूम हुई हैं वो आपके सामने मुकम्मल तफसील रखेंगे टाइम लाइन रखेंगे कि यह सारा मामला किस तरीके से सदर पाकिस्तान के दफ्तर के अंदर हुआ कौन कौन वो अहदेदार हैं उनके क्या नाम हैं उन्होंने क्या किया तो पहली चीज तो आपके सामने ये रखेंगे उसके उसके बाद आपके सामने ये रखेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह से ये खबर गर्म है कि सदर पाकिस्तान से अगले बहत्तर घंटे के अंदर अंदर इस्तीफा ले लिया जाएगा तो क्या सदर पाकिस्तान इस्तीफा देने जा रहे हैं या उनसे इस्तीफा लेने जाया जा रहा है के ऊपर आपके सामने मुकम्मल चीजें रखेंगे और फिर आपको बताएंगे कि आगे क्या होने की तो है और सदर पाकिस्तान का रोल इतना क्रिटिकल क्यों है उनसे इस्तीफा लेने या उनके ऊपर इतना अटैक करने की जरूरत क्यों पेश आई हुई है तो यह चीज आपके सामने रखेंगे फिर मैं आपके सामने एक और खबर रखूंगा और वह खबर मेरी होगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर एक नई जुबान जो है वह दरियाफ्त हुई है जो मीडिया के अंदर भी इस्तेमाल हो रही है इस टाइम और वह है झूठ की जुबान हमेशा पाकिस्तान की सहाफत में सहाफियों ने बहुत अच्छा काम किया बड़े नामी सहाफ़ी हैं जिनका हम एहतराम करते

बलोची सराइकी पुठहारी कश्मीरी गिलगित बल्तस्तानी और अगर मैं रह गया हूँ किसी ज़ुबान से नाम नहीं ले सका तो उसकी माजरत मेरी मेरी तरफ से मीन यूं तो बहुत सारी ज़ुबान राइज हैं और श्राफिया अंग्रेजी भी बोलती है लेकिन एक नई ज़ुबान पाकिस्तान के अंदर दरियाफ्त हुई है अगर उस जुबान में बात की जाए तो पाकिस्तान की शराफिया को सबसे ज़्यादा समझ आती है दो तीन लोगों ने ट्राई की है और उनकी बात बहुत जल्दी समझ आई है और उनका मसला भी हल हुआ है वो जबान आपके सामने रखेंगे फ़ायदा फ़ैसला आपका होगा कि आपने वो वाली जुबान इस्तेमाल करनी है उस जुबान के अंदर गुफ्तू करनी है कि नहीं करनी पहली खबर की तरफ आते हैं और वो खबर है कि सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके दफ्तर में कौन कौन लोग हैं ये हुआ कैसे सब कुछ और किसने उनको धोखा दिया तो सबसे पहले तो ये जहन में रखिए कि जब हुकूमत ख़त्म हो रही थी बिल्कुल उससे दो तीन दिन पहले ये बिल्स फ़टाफट जो है रात के अंधेरे की तरह बीन चोरी छुपे ये बिल फौरी तौर पर पास करवाए गए जब यह बिल पास करवाए गए तो कौम असम्बली के अंदर चंद मेबरान थे कोरम भी पूरा नहीं था तो लीगली ये बिल अपनी कानूनी हैसीियत पूरी तरह से उजागर नहीं करते या अहमियत के साथ ये बिल नहीं आए इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बिल भी थे और भी तो उसके साथ ये बिल भी थे पंद्रह पंद्रह बीस बीस एमएनएस बैठे होते थे जब ये बिल्स जो है वो पास करवाए गए तो इन बिल्स की वैसे तो कानूनी इखलाकी कानूनी तौर पर तो चले क्योंकि स्टैंप लगी हुई थी पास हो गए इखलाकी तौर पर इसकी कोई हैसियत नहीं थी क्योंकि उस टाइम कोरम ही पूरा नहीं था बहरल ये जब बिल सदर पाकिस्तान के पास आए सदर पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी है जो उनके जिम्मेदार हैं इस सारी चीज़ के लिए उनका मैं आपको बता देता हूँ उनके सेक्रेटरी जो हैं उनका नाम है वकार साहब जो वकार साहब हैं उनका पूरा नाम है मिस्टर वकार अहमद उन्होंने सदर पाकिस्तान को ये बिल जो है ये मुहैया किए जो वहाँ से आए ये तमाम फैक्ट्स जो है ये जारी है, हमें रिपोर्टेडली पता चले हैं, हमारे ज़राए से पता चले हैं। अगर इसमें कुछ भी हम हमारी अगर चैनल है और अगर उनके पास कोई प्रूफ है कि जो जराए ने हमें बताया वो गलत है तो हम यहां पर शाया भी करेंगे। जारी बातें हम वहां बैठे नहीं हुए जो हमारे पास जराए जो हमें बातें बता रहे हैं वो हम यहां पर शेयर कर रहे हैं इसलिए अगर आपका वर्जन डिफरेंट है तो जरूर हम उसको जरूर बताएंगे भी और सबके सामने भी रखेंगे तो इसलिए रिपोर्टेडली हमारे पास जराए से खबर है मेरी जाती हैसियत में मैंने इन चीजों को वहां नहीं देख देखा

बिल के मंदर जाते डिस्कस किए और उन तमाम तमाम तीनों की यक जुबान एक ही राय थी सदर साहब को कि यह बिल जो है यह जमहूरियत के इंसानियत के पाकिस्तान के आइन के साथ हर तरह से इंटरनेशनल लॉज के साथ है, इसको पास नहीं होना चाहिए उन लीगल जो ब्रेन थे उसकी फीडबैक से इंटरनेशनल एन जी ओज और इंटरनेशनल इदारों की जो तनकीद थी इस बिल पर उससे मीडिया के अंदर एक बहुत बड़ा सेगमेंट इन बिल्स के ऊपर तनकीद कर रहा था सदर पाकिस्तान की अपनी ऑब्जर्वेशनों खुद इनको पढ़ा सब कुछ इसके साथ उन्होंने अपनी विजडम अपलाई की और इस तमाम एजुकेटेड नॉलेज के साथ उन्होंने वकार साहब को आ, आ, जो पैगाम भिजवाया वो वकार साहब को बुला के बताया कि ये बिल्स मैंने साइन नहीं करने और इनको वापस भेज दिया जाए वकार साहब ने कहा जी बिल्कुल ठीक है इनको वा... और उन्होंने कहा कि वक्त ख़त्म होने से पहले जो है वकार अहमद खान साहब को बता दिया कि इनको वापस भेज दें उसके साथ ये बिल्स जो हैं जब इनके ऊपर साइन नहीं होने इन्होंने वापस जाना है तो इसमें बड़ा कलीदी रोल है सदर साहब के जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं जिनका नाम ब्रिगेडियर शहरियार मुनीर हफ़ीज़ है वो वार्फ अलवी साहब के इस टाइम पोलिटिकल सेक्रेटरी हैं उनके ज़ुमे भी सदर साहब ने यह लगाया कि इन ये तमाम फाइलें जो हैं जो साइन करवानी थी इनको वापस भेज दिया जाए बहरहाल सदर साहब को ये बताया गया दोनों अफसरान की तरफ से कि ये बिल्स जो हैं वो वापस भेज दिए गए हैं लेकिन बाद में जब मीडिया के ऊपर खबर चली कि सदर साहब ने साइन कर दिए खबर सबसे पहले चलाई गई जियो टीवी के ऊपर टीवी की एक खातून रिपोर्टर ने यह खबर चलाई और खबर चलाने के बाद इसके ऊपर हमारे एक कबर के बिच्छू दोस्त हैं मादत के साथ क्योंकि वो लोगों की शुदा कबर के अंदर लेट के रिपोर्ट करते हैं इस वजह से उनको कबर का बिच्छू कहा जाता है तो हमारे जो दोस्त <coughs> माजो जी हमारे जो दोस्त कबर के बिच्छू हैं उन्होंने इस पर ट्वीट दागा फौरी तौर पर नौशीन साहबा गालबन उनका नौशीन यूसफ उनका नाम है अगर मैं गलत नहीं हूं उन्होंने खबर रिपोर्ट की जियो टीवी के ऊपर कि सदर साहब ने बिल के ऊपर साइन कर दिए फौरी तौर पर हमारे उन दोस्त कबर के बिच्छू ने इसका क्रेडिट लिया जियो टीवी ने इसका क्रेडिट लिया कि यह खबर सबसे पहले हमने ब्रेक किया है पाकिस्तान ने जो है इसके ऊपर साइन कर दिए हैं जब इसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से साइन की खबर दे दी और सदर पाकिस्तान ने अपने इन दोनों अफसरान से पूछा जी वकार अहमद खान साहब से भी और ब्रिगेडियर शरियार साहब से भी कि जी ये सिग्नेचर तो मैंने नहीं किए और बिल वापस भेजा था यह क्या मामला है उन्होंने कहा सर मीडिया झूठी खबर दे रहा है हम वापस भेज चुके हैं अगले दिन इसका गजट का नोटिफिकेशन जब जारी हुआ तो सदर साहब को पता चला कि तो मेरे से झूठ बोला जा रहा है उस टाइम उन्होंने अपने प्रेस सेक्रेटरी से रबता किया जिनका नाम है आपके सामने रख देता हूं उनके जो प्रेस सेक्रेटरी है उनका नाम मिस्टर अख्तर मुनीर है उनके साथ उन्होंने किया जिनका काम मीडिया के अंदर उनका बयान जारी करना है जो वजीर है जो रिपोर्टेडली रिपोर्टेडली वजीर ये ये मैं कह रहा हूं वो डिनाई करें अगर ये बात गलत है तो डिनाई करें हम बिल्कुल उनका वर्जन भी देंगे यहां पर रिपोर्टेडली जो मिस्टर सुलंगी हैं उन्होंने क्योंकि उनके डिपार्टमेंट के अंदर प्रेस सेक्रेटरी आता है प्रेस सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का ऑफिसर होता है उन्होंने उन्हें बताया था कि कोई भी खबर मेरे से पूछे बगैर जो है प्रेसिडेंट ऑफिस से अपने शाया नहीं करनी प्रेस सेक्रेटरी ने साहब को बताया कि खबर मेरे से शायद नहीं हो सकेगी प्रेसिडेंट के पास फिर उसके अलावा कोई और तरीका नहीं था ये आ, ये प्रेसिडेंट के नॉर्मली तरीका नहीं प्रेजिडेंटनाया जाता प्रेसिडेंट इस तरह की खबरों के लिए अपना ट्विटर अकाउंट यूज नहीं करते मजबूरी में को जो है वो फिर ट्विटर अकाउंट जो है वो इस्तेमाल करना पड़ा और बताना पड़ा कि ये जो बिल है ये मैंने साइन नहीं किया और मेरे साथ धोखा हुआ है और मेरे अपने स्टाफ ने स्टाफ में जो दो जुम्मेदार है एक का ब्यूरो और एक का उनकी ऑपरेशन साइड नाम वो वकार साहब उनके जो सेक्रेटरी है और दूसरी तरफ ब्रिगेडियर शहर यार है जो उनके ऑपरेशन कामों को सारे देखते हैं ये दो ही अफसर है जिम्मेदार लगते हैं

की जाएगी अब जब सदर साहब ने यह नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया तो सबसे पहले कबर के बिच्छू ने अपना ट्वीट डिलीट किया जियो टीवी ने इसका क्रेडिट लेने से जहरी बात एक कदम पीछे हटे क्योंकि झूठी खबर हमेशा की तरह सबसे पहले जियो टीवी ने पाकिस्तान के अंदर ब्रेक की अनफॉर्चुनेटली और यह सदर साहब ने जब इसे रिफ्यूट कर दिया तो फिर तरह तरह के तजिये हुए एक साहब जिनका नाम तल्लत था अब उनको आप गलत कहा करें वैसे तो गलत होता है लेकिन गलत कहा करें तल्लत से क्योंकि हमेशा गलत ही खबरें देते हैं वो क्या फरमा रहे हैं पहले मैं आपको सुना देता हूं तल्लत हुसैन उनका नाम है अब आप उन्हें गलत कहा करें और वो क्या

आ, वो कोई आप कॉमन सेंस का कोई भी मैार अपना लें उसके ऊपर पूरा उतर नहीं हो सकता अगर आप सदर की के दस्खत के आइनी अमल को देखें तो बड़ा वाजे है पार्लिमान से पास चुका कवानीन खास मुद्दत के लिए सदर के पास जाते हैं सदर उसके ऊपर एतराज लगा सकता है उसके ऊपर बैठ सकता है उसके बाद वो दोबारा एक खास अरसे के बाद ऑटोमेटिकली तो पास हो जाता है इस केस के अंदर सदर साहब ने अपनी बाकायदा तस्वीर खिंचवाई अब क्या वो ये भी कहेंगे कि किसी स्टाफ ने उनकी तस्वीर चुपके से खींच ली साइन करते हुए दस्तावेज मिस्टर गलत की के मिस्टर गलत इस कदर झूठा इंसान है कि ये ये भी झूठ बोल रहे हैं कि सदर पाकिस्तान ने साइन करते हुए उन्होंने तस्वीर खिंचवाई हालांकि वो फाइल फोटो थी फाइल फोटो का मतलब है कि पहले जब कोई बिल साइन कर रहे थे उसकी तस्वीर थी और ये गलत को पता था ये गलत को मेरा तजिया है ये मैं जारी बात है कि हो सकता है कि उनको ना भी पता हो लेकिन मेरा ये तज्जिया है कि मुझे लगता है प्रायमी ये गलत को पता था कि ये तस्वीर वो नहीं है क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफिस ने तो कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की तस्वीर तो तभी रिलीज होती होती है जब प्रेस रिलीज जारी होती है जो खबर जराए से होती है उसके साथ तो कभी भी फुटेज नहीं होती क्योंकि वो अपने जराए से दे रहा है एक साफी और जराए से सिर्फ जियो टी वी जीम से झूठ जीम से जियो वो ये खबर दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि मिस्टर गलत जो है वो जान के दानिस्ता तौर पर यह गलत बयानी मेरा तजिया यह है कि वो कर रहे हैं ये मेरा ओपिनियन है वो जानबूझकर ये फैला रहे की हालत के और ये सदरे पाकिस्तान को कह रहे हैं इस तरह के लोग ये अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं ये हजूर और फिर ये कहते हैं हमारे से बदतमीजी करता है पीटीआई के लोग ये करते हैं और खुद इनकी अंदाजे बयान देखें कि सदर जो इनके बाप से भी बड़ी उम्र के हैं उनको ये कह रहे हैं कि इस तरह के लोग आ, आ, ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं बहरहल दूसरी तरफ सलीम साफी साहब ने सदर पाकिस्तान से फौरी इस्तीफा मांग लिया जी हां वही सलीम साफी जिसने कहा था कि दुनिया में कहीं से कोई किसी एंबेसडर ने साइफर नहीं भेजा किसी भी अमरीका या किसी भी मगरबी मुल्क से तो बिल्कुल नहीं आया और अगर साइफर आया हो तो मैं सहाफत छोड़ दूंगा अब तो आपको है कि साइफर ना सिर्फ लीक होकर छप चुका है ना सिर्फ हकूमत मान चुकी है कि साइफर आया ना सिर्फ शहबाज शरीफ मान चुका है लोगों को गिरफ्तार करवा तो कोई तरीका नहीं है कि किसी को यकीन दिलाया जा सके कि यह साइफर था कि नहीं बाकी सब कुछ हो गया हुआ है लेकिन सलीम साफी साहब सच्चे निकले हैं उन्होंने सहाफत छोड़ दी है जी हाँ क्योंकि सहाफतने कभी की नहीं थी वो तो शुरू से

बहुत सारे और जर्नलिस्ट एक जर्नलिस्ट नमा ख़ातून है इस्लामाबाद से उन्होंने वही ट्वीट किया जो जहाँगीर तरीन साहब का एक गमाश्ता है जो उनके पेर पे काम करता है उसने ट्वीट किया उसको वही कॉपी पेस्ट दोनों को जहाँ से आया था उन्होंने वही ट्वीट कर दिया मतलब कि ये जो पूरा गलाजत का डिपार्टमेंट था हमारे आ, 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 जो कबर के बिच्छू साहब हैं उन्होंने इसको शुरू किया और माफ़ कीजिएगा शुक्र अलहमदिल्ला तो हमारे कबर के जो बिच्छू हैं उन्होंने इस मामले को शुरू किया जब नौशीन यूसुफ साहबा ने खबर दी मेरा ख्याल है ये मुझे लगता है कि उन्होंने दी थी यह खबर अगर मैं गलत नहीं हूँ जीओ टी वी पर ख़बर आई थी मुझे लगता है कि ये नौशीन यूसुफ साहबा ने दी अगर मैं गलत हूँ तो कोई करेक्ट कर दे और उसके बाद कबर के बिच्छू जो है उन्होंने इस पर ट्वीट किया बाद में जब झूठे साबित हुए तो डिलीट किया गलत साहब ने जो है वो सदर साहब की इवन तस्वीर भी शाया कर दी सलीम साफ़ी हों या दूसरे तमाम लोगों उन्होंने इस्तीफे मांगना शुरू कर दिए सदर साहब से और इसमें कोई शक नहीं है कि ये तमाम जब गलाजत के गटर उबल रहे हैं तो उस टाइम में सदर

यही हो सकता है बारल ये सारा मामला था मैंने आपको नामों के साथ बता दिया कि कौन दो रिस्पॉन्सिबल हैं जिनका ये काम था जिन्होंने ये बिल वापस भेजने थे जिनके हाथ में ये सारा काम था जिन्होंने रिपोर्टेडली जो प्राम हमें नजर आ रहा है जिनकी वजह से सदर साहब का ये सारा मामला ये करने की कोशिश की बहरहाल एक तरफ तो सदर साहब ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया है उनके मैंने साइन नहीं किए और तमाम जो कानूनी माहिर हैं आर्टिकल सेवेंटी फाइव जब पढ़ के सुना रहे हैं तो वो बड़ा वाजे बता रहे हैं कि पहली दफा जब कौमी असेंबली और सेनेट से यह बिल जाएगा तो ये हिस्सा नहीं बनेगा एक्ट नहीं बनेगा दूसरी दफा ज्वाइंट हाउस से करवाने के बाद अगर सदर साइन ना करते तो फिर बन जाता अब ये बिल तो कानूनी और इवन जो पहले मरले में पास नहीं हो सकता तो ये इस जाली कानून के साथ दूसरी तरफ से वही इस्लामा हाईकोर्ट जो इमरान खान की आजादी की वो नहीं सुन रही उन्होंने रातों रात इसके ऊपर एक कोर्ट भी बना दी स्पेशल कोर्ट जो सीक्रेट एक्ट से रिलेटेड मुकदमा को सुनेगी जरा फुर्तियां चेक कीजिए हमारी बाद हाईकोर्ट की अगली ख़बर की तरफ चलते हैं मैंने आपको बताया ये जो गलाजत है सहाफ़त की और इन्होंने क्या कुछ किया वो भी आपके सामने रखा अब अगली ख़बर आपको मैं ये बताता हूँ पाकिस्तान के अंदर एक नई ज़ुबान मुतारफ़ हुई है मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर उर्दू है और उसके बाद बड़ी ज़ुबान आबादी के लिहाज से जो है वो पंजाबी है उसके बाद पश्तो है सिंधी है बलूची है कश्मीरी है पुठहारी है सराइकी है गिलगित बल्तिस्तानी है और भी जुबानें होंगी और हैं बहुत सारे इलाकों के अंदर लेकिन जो बड़ी बड़ी ज़ुबानें हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं अंग्रेज़ी अशराफिया बोलती है लेकिन एक ज़ुबान एक शेर के बच्चे ने फाइंड आउट किया Yeah. <laughs> और उसने इतना जबरदस्त काम किया है एक बंदा जिसको पूरा पाकिस्तान समझा रहा था सिदार्थी अवार्ड भी उसको मिला लेकिन उस हमारे दोस्त को समझ नहीं आ रही थी इस बंदे ने सिर्फ दो तीन मिनट वो जुबान इस्तेमाल की ना सिर्फ इस दोस्त को समझ आई इसने उसको इनाम दिया छुट्टी दी बल्कि अब हालात यह हैं कि यह दोस्त रोज उसको मिलने जाता है वो जहां होता है जपियां डालता है पपियां लेता है और यहीं तक नहीं प्रोफेसर भी बन गया हमारा ये दोस्त अब लोगों को उसकी बीमारी के बारे में पढ़ाता है इस लाइट दिखा दिखा कर मीन ऐसा लग रहा है कि वो अब आई पंजाब नहीं रहे वो कोई बन गए हैं और वो पढ़ा रहे हैं मैंने आपको एक नुसरत फतेह अली खान साहब की कवाली थी कि आग ऐसी लगाई मज़ा आ गया सो ये जो जो साहब कांस्टेबल थे इन्होंने वो बोली जो शायद पाकिस्तान की शाफिया को समझ आती है मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूं। आप खुद ही देखिएगा कि हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर और किस तरीके से ये जुबान जो है वो समझ आ रही है आई जी साहब जिनको किसी की जुबान समझ नहीं आ रही थी जो खुवातन का मजाक उड़ाते थे कहते थे ये जलसों में क्यों आ रही हैं वही आई जी साहब को ऐसी जुबान समझ आई इस कांस्टेबल की कि अब वो हर जगह पर पहुंचे

कल मामला बहुत बहुत वो चल रहा है संगीन खबरें हैं मुश्किल दिन है लेकिन आई जी साहब ने लतीफा ही ऐसा कर दिया आई जी साहब उसको जफिया डाल रहे हैं रोज मिलने जाते हैं मैं जारी बात है जो उन्होंने जुबान इस्तेमाल की मैं उसे इंडोर्स नहीं करता लेकिन आई जी साहब को ऐसी समझ आई वो जुबान कि उसके बाद वो फिदाई हो गए उसके ऊपर रोज पहुंच जाते हैं एक्सप्लेशन देते हैं अब तो चार्ट दिखा रहे हैं और यहां तक नहीं वो डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं मैं शायद देखता हूँ अगर आगे वो वीडियो हो वो डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं कि इनकी तबियत ठीक तो हो जाएगी ना ये जो दवाइयां आपने दी हैं उसके बाद कांस्टेबल साहब ठीक तो हो जाएंगे ना आजी साहब ठीक हो जाएंगे आप परेशान ना हो आपको दोबारा वो ये डोज नहीं देंगे आपने उन्हें छुट्टी भी दे दी है और रिपोर्टेडली हमारे पास खबर आई है ये कि आपने उन्हें इनाम भी दिया है तो आपको समझ आ गई है और मुझे तो पहले ही पता था कि सदारती तमगे से आपको समझ नहीं आनी समझ आपको इसी तरीके से आनी थी जिस तरीके से समझाया है अब पाकिस्तानी पब्लिक को भी यह जुबान सीखने की मेरा ख्याल मैं ये नहीं कह रहा कि जुबान इस्तेमाल करें सारी बातें मायूब है लेकिन मैं अज़रा तफन्न कह रहा हूँ कि लगता है कि अब इसी जुबान में बात करनी पड़नी है मैं दूसरी बात जो हमारी सहाफत की गलाजत है वहां भी लग रहा है कि यही जुबान इस्तेमाल हो रही है और आप एक और बात देखिए मंजूर पश्तीन साहब ने क्या जुबान इस्तेमाल की हमारे हमारी अफवाज के बारे में और उसके बाद ईमान हाजर मजारी साहबा ने क्या जुबान इस्तेमाल की अच्छा यहां पर मैं एक डिस्कलेमर दे दूं डिस्कलेमर मेरा यह है कि ईमान मजारी हूं या मंजूर पश्तीन हूं या सलीम साफी हो या कोई भी शख्स हो अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उनको रातों को घरों से बेडरूम से घसीट के नहीं लेके जाया जा सकता उनको इस तरीके से नहीं पकड़ा जाना चाहिए उनके ऊपर कानून के मुताबिक अमलदारी करें जो हम अपने लिए कानून समझते हैं वही हम आपकी तरह गलत की तरह मुनाफ नहीं है कि जब मैं पकड़ा गया था तो गलत जो था वो तब भी गलत खबरें देता था कि मैं तोते की तरह बोलना शुरू हो गया था तो मिस्टर गलत जो है उनकी तरह हम ना उस कदर हमारी गटर वाली जो है वो सहाफत है ना गलाजत है हम बात यह कर रहे हैं कि कोई भी है उसके ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें तो किसी सूरत भी मैं ईमान मजारी साबा की जो अरेस्ट है या जिस तरीके उनके ऊपर आप बिल्कुल कंप्लेन करते अदालत में मुकदमा चलता सही साबित होता तो उनको पकड़ते उतनी देर तक उन्हें मुकदमा फाइट करने की जाती जा तो मैं बिल्कुल अपनी उसी राय पर हूं इंसानी हकूक फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी उन्हीं असूलों के ऊपर लेकिन यहां एक फर्क आपको बताना बड़ा जरूरी है कि क्योंकि ईमान मजारी साहबा ने भी कांस्टेबल साहब के करीब करीब वाली जुबान ही इस्तेमाल की थी मीन तो गंदी गालियां तो नहीं दी लेकिन उन्होंने भी करीब करीब उसी तरह का काम किया था इससे पहले मरियम सफदर साहबा ने ये काम किया था तो आप ये देखिए कि अभी जब ईमान मजारी साहबा आई हैं कोर्ट में तो वो छलांग मार के गाड़ी से उतरी और ईमान मजारी साहब याद है जब उनकी वालदा गिरफ्तारी वो कितनी परेशान रहती थी बहुत परेशान थी वो तो अब तो वो खुद कस्टडी में थी अगर उन पर कोई तशदद्द हुआ होता जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था बिल्कुल नहीं होना चाहिए था लेकिन अगर हुआ होता तो सारी बात वो इस तरीके से छलांग मार के गाड़ी से नहीं उतरना था हंसते हुए बिल्कुल वो हंस रही थी और उनके इर्ग सिर्फ तीन चार फीमेल पुलिस वाली थी किसी ने उनके मुंह पर कपड़ा नहीं डाला हुआ था मैं ये नहीं कह रहा डालना चाहिए था बिल्कुल नहीं डालना चाहिए यह अच्छा है जो कुछ हो रहा है इसी तरीके से होना चाहिए पहली बात तो उन्हें गिरफ्तार ही नहीं करना चाहिए था लेकिन बहरहाल आपको फर्क बता रहा हूं उनको कोई दहशतगर्दों वाला उनके साथ ट्रीटमेंट नहीं था उनको कोई धक्के नहीं दे रहा था उनके इर्गिद आने से किसी को नहीं रोका जा रहा था साहफी उनसे फोन आगे करके सवाल पूछ रहे थे वो हंसते मुस्कुराते विक्ट्री का निशान बना के फिर यही नारा लगा रही थी कि यह दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है और वो कोर्ट में जा रही थी लोग उनको पूछ रहे थे आपको सोने वाले कपड़ों में उठा लिया और वो कह रही थी कि हाँ मुझे तो कपड़े भी नहीं पहने थे मीन एक तो नॉर्मल गपशप लग रही थी फजा थी मैं हरगिज नहीं कह रहा कि उनके साथ ये सलूक हो मैं कबर वाले बिच्छू या उन वाली गलाजत नहीं करूंगा लेकिन मैं सिर्फ आपको कंपेरिजन दे रहा हूँ कि जो रलिया चुक दियाँ उन जब आप मिलके काम कर रहे हो तो फिर आप डॉट्स आपको कनेक्ट करने पड़ते हैं कि एक तरफ इस तरह का ट्रीटमेंट और दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान को जब उनके घर से पकड़ा गया तो उनके मुंह पर सफ़ेद कपड़ा डाला गया और हालांकि घर की चार के अंदर उन्हें गाड़ी तक लेके जाने के लिए धक्के मारे गए तो एक तरफ ये वाले सलूक हैं हमारे साथ सबके साथ क्या हुआ वो आपने देखा था दूसरी तरफ यह मुझे नहीं पता कि ये एक पेज के ऊपर होने की वजह से हमारे इदारे और ये पश्तीन वगैरह इसलिए इनको ये ट्रीटमेंट है या दूसरी तरफ ये वजह है कि वो भी शायद ऐसी सामान इस्तेमाल कर रहे हैं जो मरियम साहबा ने की है या जो कांस्टेबल साहब ने किया उन्होंने ज़रा अनपढ़ तरीके से ज्यादा आगे निकल गए थे आई जी साहब को ज्यादा ही समझ आ गई तो मुझे लग रहा है कि ये जो तनकीद वाली जुबान है सख्त जुबान है इसकी पाकिस्तान में ज्यादा समझ आ रही है बस अल्लाह ही हाफिज है अगर ये सब कुछ हो रहा है तो साथ ही इजाजत दीजिएगा देख लिया ने मुकम्मल बता दिया कि को किसने धोखा दिया किस तरह दिया और सदर आरिफ रलवी ने खान साहब को कैसे बचाया और क्या अगले बहत्तर घंटे में सदर आरिफर रवि इस्तीफ़ा देंगे ये उसे किस तरह प्रेशराइज किया जा रहा है या उसके साथ कैसे धोखा किया गया ये बिल कैसे पास करवाए गए और उसने खान साहब की कैसे दिलेरी के साथ मदद की है ये आपने सारा सुन लिया और ये आगे भी देखें वो क्या करेगा क्या इस्तीफा देगा ये आगे देखेंगे तो अभी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया